हेलो एवरीवन, आप मेरे सामने देख रहे हैं खूबसूरत सा ये क्रोटन पेट्रा का प्लांट। काफ़ी खूबसूरत होता है ये, इंडोर आउटडोर दोनों चलता है। इसी कारण हम लोग इसको अपने घर में ज़रूर रखते हैं, किसी भी माहौल में रंग भर देता है ये। बॉटनिकल नेम इसका है कोडियम वेरीगेटम, यूफोरबिया फैमिली से है ये दोस्तों, और एक ट्रॉपिकल प्लांट भी है। बट इसको जब हम देखते ही घर ले आते हैं, बट इसके साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसके कॉमन प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के ही ऊपर है। जब हम इसको घर लाते हैं तो भी इसमें प्रॉब्लम्स जब हम देखते हैं तो मायूस हो जाते हैं, भाई हमने तो सीधा अच्छा पौधा लिया था, फिर भी ये क्यों नहीं चल रहा है या इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, मायूस भी हो जाते हैं। बट मायूस होने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आप वो ध्यान से सुने और वीडियो में एंड तक मेरे साथ आप बने रहें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर पाऊँ। इसमें जो पहला प्रॉब्लम होता है वो है विल्टिंग टेंडेंसी। विल्टिंग टेंडेंसी यानी आप इसको अगर ज़्यादा पानी दे दें, कम पानी दे दें, तो भी ये अपनी पत्तियों को बिल्कुल झुका देता है और बताता है कि मुझे भाई पानी चाहिए। अगर आप इसको कम पानी देंगे तो भी ये अपनी पत्तियों को मुरझा देगा और ये देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। मॉइस्चर लविंग है ये दोस्तों, इसलिए आप इसको पानी तो दें लेकिन मॉडरेटली दें, तो पानी का इसमें खास ख्याल रखना है। और दूसरा आता है, मैं अगर बात करूँ तो वो होती है सनलाइट की। सनलाइट आप इसको ऐसी जगह जब लाएँ तो रखें जहाँ पर आप इसको 2 से 4 घंटे की धूप इसको मिले। गर्मी में 1 घंटे की धूप इनफ है वैसे, तभी इसके कलर्स जो हैं खुल करके आएंगे दोस्तों, नहीं तो इसमें ये ग्रीन होता चला जाएगा। और अगर आप इसको इंडोर लगा रहे हैं तो भी इसको ऐसी जगह रखें कि कम से कम 1/2 घंटे की डायरेक्ट लाइट आए या डैपल लाइट आए, तभी ये सही से ग्रो करेगा दोस्तों। ये बात हो गई इसके सनलाइट की। और नेक्स्ट जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ वो है इसके सॉइल की। जब आप इसको नर्सरी से लाएं तो नर्सरी में ही चेक कर लें, कहीं ये लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी में तो लगा नहीं हुआ है। ये मिट्टी पौधे को कभी भी अच्छे से बढ़ने नहीं देती। क्या होता है, हमारे जो ये क्रोटन है इसके रूट्स बहुत सेंसिटिव है और इस मिट्टी में ये चल नहीं पाते हैं। रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों इसी कारण, और पौधा आपका मुरझा जाता है या कितना भी पानी देने से सही नहीं होता है और हमें पता नहीं चलता है कि पौधे के अंदर चल क्या रहा है। इसीलिए आप इसको एक फ्रेश और पोरस सॉइल में लगाएं और मिट्टी इसकी बिल्कुल भी सौगी ना रखें। आप इसमें राइस खस्क ज़रूर यूज़ करें, वर्मी कंपोस्ट, राइस खस्क और नीम खली ये ज़रूर दें। नेक्स्ट में अगर इसके प्रॉब्लम की बात करूं तो इसमें आती है लीव्स फॉलिंग की प्रॉब्लम। लीव्स फॉलिंग अगर आप इसको अलग जगह लगा दें या इसको इसकी लोकेशन चेंज कर दें तो ये झट से अपनी पत्तियां लगातार गिराता चला जाता है या पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो हमें लगता है कि क्या हो गया इसमें दिक्कत भाई। हालांकि इसके 2-4 पत्ते ठीक रहते हैं लेकिन फिर भी इसमें लीव्स गिरना एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप घबराएं नहीं दोस्तों, इसके साथ ये कॉमन प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट में प्रॉब्लम की बात करूँ तो वो है इसका ट्रांसप्लांट शॉक। अगर आप इसको नर्सरी से लाएं तो इसको तुरंत आपको रिपोर्ट नहीं करना है, एटलीस्ट आपको 1 सप्ताह या 5 दिन तो ज़रूर रखना है ताकि ये वो वहाँ अडेप्ट हो जाए। नहीं तो ये क्या होता है, इसमें ये वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाता और रिपोर्टिंग शॉक के कारण ये मर जाता है। इसीलिए इसको आप ट्रांसप्लांट शॉक से बचाने के लिए एप्सम सॉल्ट का मदद तो इसमें ले ही, लेकिन साथ ही साथ इसके लोकेशन का खास ख्याल रखें आप दोस्तों। और इसको बिल्कुल भी आप कंप्लीट शेड में ना रखें, ये मैंने इंडोर के लिए भी कह दिया है। और नेक्स्ट जो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है वो होती है रूट रॉट की। रूट रॉट यानी कि क्योंकि अगर आपकी ये ज़्यादा पानी में रहेगी इसकी रूट्स तो गलने लगेगी और आपका पौधा मर जाएगा। आप देखेंगे जब इसकी रूट्स को निकाल के तो काफ़ी पतली पतली और सेंसिटिव होती है इसकी रूट्स। इसीलिए इसमें राइस खस का ज़रूर यूज़ करें और कोशिश करें कि इसको मिट्टी का गमला ही दें। ये है बिल्कुल इसका एक की सीक्रेट, मिट्टी का गमला ही इसको सही रखता है। दूसरा, इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। मॉइस्चर लविंग प्लांट है ये दोस्तों, और आप इसको हमेशा स्प्रे करते रहें, मिस्टिंग करते रहें, तब ये बहुत ही हैप्पीली आपके पास ये रह जाता है। और नेक्स्ट अगर मैं इसकी प्रॉब्लम की बात करूं दोस्तों तो वो हो जाती है इसमें फंगल अटैक। आप देखेंगे फंगल अटैक, इसकी पत्तियां सडनली पीली पड़ गई या इसके जो न्यू ग्रोथ हैं वो उसके पत्ते जो हैं अपने आप झड़ने लग गए।
अपने आप झड़ने लग गए, या नहीं तो इसमें आप ब्राउन स्पॉट्स देखेंगे, या आप इसमें टिप बर्निंग देखेंगे। तो ये सब जो प्रॉब्लम है इसमें कॉमन प्रॉब्लम है, आपको इसकी ज़रूरत को समझना होगा। अगर आप इसमें ब्राउन स्पॉट देखें तो इसमें फंजीसाइड का आप यूज़ करें, या नहीं तो इसमें नीम ऑयल डालें। और अगर आप टिप बर्निंग देख रहे हैं तो ये रूट रॉट के कारण भी होता है। रूट रॉट जब होता है तो क्या होता है कि टिप तक पानी और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, जिस कारण वहाँ से प्लांट सूखता है आपका, या नहीं तो पूरी पत्तियाँ ही इसकी सूखने लगती हैं। इसीलिए आप टिप बर्निंग का भी बिल्कुल ही इसमें ख्याल रखें। दोस्तों आप बिल्कुल मायूस ना हो, घबराए नहीं, ये पौधा थोड़ा सा ट्रिकी है और परेशान भी करता है। इसमें लोकेशन, ट्रांसप्लांट शॉक, सब कुछ का आप इसमें इसको ख्याल रखें। और दूसरा बात होता है, इसको बार बार इसकी आप जगह चेंज ना करें, क्योंकि जगह चेंज करने से भी ये झट से अपनी पत्तियों को गिरा देगा। मान लीजिए आपने इसको इंडोर रखा, आप फिर तुरंत इसको बाहर ला दिए, तो इसमें भी अपनी पत्तियां झट से गिरा देगा। इसमें ये कॉमन प्रॉब्लम होती है झट झट से पत्ती गिरा देने की, पत्तियां गिर जाएंगी इसकी, लेकिन दो चार पत्तियां तो इसमें सही रहती हैं। आपको इसमें भी ध्यान रखना है, और इसको ठंड में बिल्कुल भी बाहर ना छोड़ें। और ठंड में इसको अगर आप धूप वाले जगह पे रखें तो बहुत अच्छा होगा। इसको कॉम्बिनेशन प्लांट के रूप में आप यूज़ करें दोस्तों। और अगर ये फूल ना हो आपके पास तो ये फूल की कमी भी पूरी करता है। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।